बच्चों, हिंदी में आज हम इकाई 6 टपका का डर का अभ्यास करेंगे। आपको ये लगा होगा कि ये टपका क्या है, तो ये हम पाठ में देखेंगे। उसके अलावा उसमें एक गरीब बुढ़िया की बात है। गरीब और अकेली बुढ़िया को कौन कौन सी परेशानी होती है, इसकी भी हम कहानी शुरू करने से पहले आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आपके सामने बाघ आ जाए तो क्या होगा? आप सबको डर लगेगा, है ना? सिर्फ आपको ही नहीं, हर किसी को अगर अचानक से बाघ सामने आ जाए तो डर लगता है। परंतु हम जो कहानी देखने वाले हैं, उस कहानी में बाघ खुद ही डर कर भाग जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि बाघ को भला किससे डर लगता है, तो चलिए हम वही कहानी देखते हैं। इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया की कथा है। झोपड़ी का टपकता छप्पर उसे और भी संकट में डाल देता है। वह मन ही मन झुंझला रही है, यानी कि हम जो कहानी देखने वाले हैं, वह एक गरीब बुढ़िया की कहानी है। अब यह बुढ़िया अकेली तो है, ऊपर से गरीब भी है, तो उसे बहुत सारे कष्ट का सामना करना पड़ेगा। कष्ट यानी मुश्किलें। कौन कौन सी मुश्किलें हो सकती है? वह अकेले है और बहुत बड़ी उम्र के है, तो उनको अपना सारा काम खुद ही करना पड़ता होगा। फिर अपने लिए खाना पकाने के लिए कुछ पैसे जोड़ने होंगे, वह भी उनको खुद ही करना पड़ना होगा। घर का सारा काम भी वह खुद ही करते होंगे। तो ऐसे बहुत सारे कष्ट थे और पैसे भी नहीं थे। उसके अलावा क्या क्या मुश्किलें हो सकती है, वह भी आपको सोचना है। अब वह इतने कष्ट में तो थी, ऊपर से बरसात का मौसम आ गया और उसका कष्ट और भी बढ़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि बरसात का मौसम आने से उनका कष्ट कैसे बढ़ सकता है। अब होता क्या था, वह बुढ़िया तो एक झोपड़ी में रहती थी और झोपड़ी के ऊपर की जो छप्पर है, छप्पर यानी घास फूस व लकड़ियों से बनी हुई छत, तो वह छत तो घास फूस व लकड़ियों से बनी होती थी। और बरसात की जब सीजन चल रही होती है तब बहुत बारिश होती है और उसकी छत टपकने लगती है और वह पानी झोपड़ी के अंदर भी आ जाता है। इस प्रकार वह बुढ़िया का कष्ट बढ़ जाता है और वो बहुत ही परेशान हो जाती है और मन ही मन झुंझला रही होती है, सोच रही होती है, परेशान हो रही होती है। तभी बरसात से परेशान एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बुढ़िया की बातें सुनकर अनजान भय से वह घबरा उठता है और भाग जाता है। अब जैसे बरसात की वजह से बुढ़िया परेशान थी, वैसे ही एक बाघ भी परेशान होता है। वह तो जंगल में रहता है, तो उसे भी छत नहीं मिलती, तो वह छत ढूंढते ढूंढते उस बुढ़िया की झोपड़ी के पास ही आ जाता है और वह छत के नीचे बैठ जाता है। पर अचानक ऐसा कुछ वह सुनता है तो वह डर के मारे भाग जाता है। तो आप सोचते होंगे कि ऐसा तो बुढ़िया ने क्या बोला होगा कि बाघ खुद डर कर भाग गया। तो चलिए हम देखते हैं। तो चलिए हम पहले कहानी पढ़ते हैं। बरसात का दिन था, यानी कि वह बरसात की ऋतु थी। चारों ओर पानी बरस रहा था। अब बरसात है तो बारिश आएगी और बारिश के आने की वजह से सभी ओर से पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। बारिश की वजह से वह जो बुढ़िया थी, गरीब थी, उसका भी घर भीग रहा था। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। अब क्या होता है, बुढ़िया के घर की जो छत है वह तो घास फूस से बनी हुई है, तो वह जल्दी से भीग जाती है और छत टपकने लगती है। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या। अब टपकती हुई छत से बुढ़िया परेशान होने लगी। वह जो खाना पकाती थी उसमें भी पानी आ जाता था, तो चूल्हा जलता नहीं था। परेशान बुढ़िया आखिर करती भी क्या, छप्पर को छाए कौन। छप्पर यानी कि जो छत थी उसको छाए कौन, यानी कि ठीक कर भी कौन दे। वह तो
एकदम अकेले ही रहती थी। आगे थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। ओले यानी जो बारिश की बूंदें बहुत ठंडी हो जाती है तो वह बर्फ बन जाती है, तो वह बर्फ के रूप में ही बारिश होने लगी। गुजराती माँ अपने जेने करा कहिए छे, एक करा वरसवा लाग्या। बेर बराबर ओले, बेर यानी कि बोर। गुजराती माँ अपने जे बोर नाम नु एक फल होय छे तेने हिंदी माँ बेर कहे छे, एटले के ओले एटले करा अने बेर एटले बोर। तो आजे करा हता ते बोर जेवड़ा जेवड़ा पड़ता हता। अब आगे क्या होता है, उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। बाघ तो जंगल में रहता है, उसके ऊपर तो छत भी नहीं होती है, तो वह जो ओले की बारिश पड़ रही थी वो बाघ के पीठ के ऊपर पड़ रही थी और उससे वह भी बहुत ही परेशान था। तो वह कूदते फांदते ऐसी जगह ढूंढ रहा था कि जहाँ पर वो जाकर बैठे और उसके ऊपर ओले ना पड़े। तो ऐसे ही चलते चलते उसे बुढ़िया का घर दिख जाता है और वह उसके पास जाता है। तभी बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी, चूल्हे पर पानी टपक रहा था, टप टप करके छत से पानी गिर रहा था और उसी की वजह से बुढ़िया परेशान हो रही थी, क्योंकि उसका चूल्हा भी ठीक से पानी की वजह से नहीं जलता था। वह झुंझला उठी और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है कि जितना बाघ से भी नहीं। बाहर बाघ खड़ा है यह तो बुढ़िया को पता भी नहीं था, वो तो अपनी परेशानी में ही व्यस्त थी। टपका किसे बोल रही थी? टपका वो जो छत से पानी टप टप टपक रहा था उसको वह बोल रही थी। वो उससे इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि वो बोल उठी कि मुझे टपका से इतना ज़्यादा डर लगता है कि जितना मुझे बाघ से भी डर नहीं लगता है। अब यह सुनकर बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है। उसे पता नहीं था कि टपका यानी कि कौन। जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बाघ ने खुद ही ऐसा सोच लिया कि टपका बहुत बड़ा जानवर होगा, तभी बुढ़िया मुझसे नहीं डरती है पर टपका से डरती है। इतना सोचकर ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रख कर भाग गया। सिर पर पैर रख कर भागना यानी कि तेज गति से भागना। तो बाघ डर के मारे तेज गति से वहां से भाग गया। तो देखा आपने, बाघ किससे डर गया? बाघ ऐसे जानवर से डर गया जो हकीकत में तो था ही नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर एक बुढ़िया और बाघ की कहानी टपका का डर समाप्त होती है। आपको अब सोचना है कि इस कहानी से आपने क्या समझा और क्या सीखा। अगले वीडियो में हम इस इकाई के स्वाध्याय और अभ्यास देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।